साथियों, जैसा कि आपको पता है बिहार के अंदर जो शिक्षक बहाली है, एक तो बहुत लंबे समय बाद आती है। अगर हम बात करें STT की, यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019, तो ये लगभग 8 साल बाद दोबारा बिहार में होने जा रही है। इससे पहले 2011 में हुई थी और इसके बाद फिर 2019 में होने जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जो इस बार की STT आयोजित हो रही है, उससे कितना फ़ायदा मिलेगा बिहार के अभ्यर्थियों को। तो सबसे बड़ी बात आपके लिए एक मैं खुशखबरी बता दूं कि इस बार की शिक्षक बहाली में, यानी कि STT में डोमिसाइल नीति लागू है, यानी कि केवल केवल बिहार के ही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे और उन्हीं को ही नौकरी मिलेगी। इस बात का साफ साफ जिक्र किया गया है आपके इसके नोटिफिकेशन में, इसकी विज्ञापन में, जो कि आप देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का निवासी हो, ऐसा साफ साफ लिखा गया है। यानी कि बिहार के अभ्यर्थियों को इसमें मौका मिलेगा इस परीक्षा में बैठने का, जिससे कि इनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार उनकी नौकरी बहुत हद तक सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी इसमें भाग नहीं ले पाएंगे, उनको वंचित किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डोमिसाइल नीति लागू करके। दोस्तों, STT का मतलब होता है कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दो स्तर पे होता है। पहला होता है आपका पेपर 1, जो क्लास 9 से 10 पढ़ाते हैं, जो कक्षा 9 से 10 तक पढ़ाते हैं, उनको पेपर 1 में कहते हैं। दूसरा आपका आता है पेपर 2, जो कि आपका क्लास 11 और 12, यानी 11वीं 12वीं क्लास को पढ़ाते हैं। दोनों ही क्लास के लिए, यानी पेपर 1 पेपर 2 के लिए पेपर कंडक्ट हो रहा है। इसके क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोटिफिकेशन दूंगा, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसमें सब बातों का जिक्र है कि क्या योग्यता होनी चाहिए। वैसे मिनिमम इसका है BEd होना चाहिए, और साथ ही मेल के लिए 37 साल मैक्सिमम है जनरल के लिए, फीमेल के लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम है फॉर्म अप्लाई करने के लिए इस चीज़ के लिए। बाकी ST ST को उनके हिसाब से कुछ छूट भी दी गई है। दोस्तों, सबसे पहली बात हम करते हैं कि बिहार में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि बिहार के अभ्यर्थियों को नौकरी लेने दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, और वहाँ भी इनको नौकरी से वंचित किया जाता है। कारण क्या कि हर स्टेट्स में डोमिसाइल नीति लागू है। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में देखा था कि लगभग 16 राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, कहीं 100% है, कहीं 90% है। तो इस प्रकार बिहार के अभ्यर्थियों सहित और राज्यों के अभ्यर्थियों को भी वंचित किया जाता है वहाँ पर स्थानीय नीति लागू करके। तो ऐसे में उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर इस बार हम बिहार सरकार की पहल कहें, खासतौर बिहार के अभ्यर्थियों के पक्ष में, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने पहल किया है कि यहाँ के स्थानीय नीति लागू करके यहाँ के अभ्यर्थियों को मौका दिया है, जिससे कि इस बार ये शिक्षक बहुत आसानी से बन पाएंगे और अपने सपने को साकार कर पाएंगे। करें भी क्यों ना, क्योंकि जो सरकार बहाल इतना लेट और इतनी लगभग 8-9 साल बाद जो करती है, सिर्फ इसलिए करती है कि जब भी चुनावी वर्ष नज़दीक आता है तभी सरकार बहाली का विज्ञापन निकालती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रारंभिक में 1 लाख, उसके बाद आपका छठे चरण तक 38,000 थी, प्लस 37,000 से अधिक इसने और निकाल दी STT सेकेंड जो 2019 में ले रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार चुनावी वर्ष को देखते हुए ये कुछ कर रही है। हालांकि जो भी कुछ करे, इससे सबसे ज़्यादा फायदा बिहार के अभ्यर्थियों को होगा, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा एक स्ट्रैटेजी। इतनी सीटें आप मेरे बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हो पेपर 1 पेपर 2 के लिए, कितनी कितनी सीटें हैं और क्या कुछ कैसे आपको तैयारी करनी है और क्या क्या आपको स्ट्रैटेजी, कितना स्कोर करना है सेव के लिए। इस वीडियो को शुरू से लास्ट आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और काफ़ी आपको मोटिवेट करेगा ये वीडियो आज का। दोस्तों, पेपर 1 की बात करें, जो 9 से 10 पढ़ाते हैं, यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट में 5054 सीटें हैं। यानी कि जो भी अभ्यर्थी इंग्लिश विषय के अध्यापक बनना चाहते हैं कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने के लिए, उनके लिए 5054 सीटें हैं, और उनके पास बहुत ही गोल्डन चांस है इंग्लिश विषय में टीचर बनने का। अगर अगली बात करें मैथ की, गणित की, यहाँ पर भी 5054 सीटें हैं पेपर 1 के लिए, और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की 5054 सीटें। दोस्तों, आपको पता होगा कि सामाजिक विषय एक ऐसा विषय है, मैं कहूँ बिहार सहित पूरे राज्यों में, जहाँ पे सबसे अधिक अभ्यर्थी BEd इसी विषय से करते हैं, या फिर उनका विषय सामाजिक विज्ञान ही होता है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे 5054 सीटें यहाँ पे दी जा रही है, तो मैं तो कहूँगा आपके सामने इससे बड़ा और कोई मौका हो ही नहीं सकता। एक तो इतनी अच्छी खासी सीटें यहाँ पे हैं आपकी 5054, और ऊपर से डोमिसाइल नीति लागू है। खैर, कई लोगों को ये भी कम लग रही होगी, लेकिन मैं तो एक बात बता दूं कि आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, या आपको पूरी सीट चाहिए 5054, आपको एक ही सीट चाहिए ना। तो एक सीट का मतलब यहाँ पे देखिए कि आपको
5,094 से एक सीट चाहिए, तो काफ़ी बड़ा एक रिलीफ है SST कैंडिडेट्स को लिए कि इतनी अच्छी खासी सीटें दी गई है। हालांकि इन रिक्तियों में भी आरक्षण सिस्टम लागू होगा, तो यहाँ भी जनरल की सीटें बटेंगी, OBC की बटेंगी, BC1 सब की बटेंगी, लेकिन फिर भी अगर पूरी रिक्ति दिखी जाए तो काफ़ी अच्छी सामाजिक विज्ञान के लिए, तो उनके चेहरे पर खुशी होनी चाहिए कि वो भी इस बार इतनी बड़ी मात्रा में जो बहाली है उसमें वो आवेदन करेंगे और अपनी एक सीट लेकर अपनी जॉब को सुरक्षित करेंगे। साइंस की बात करें, यहाँ भी 5,054 सीटें हैं, हिंदी में भी 3,000 सीटें आपकी हैं, संस्कृत में आपकी 1,054 सीटें हैं और उर्दू में आपकी 1,054 सीटें हैं, यानी कि टोटल आपके 7 विषय हैं और इन विषय में टोटल रिक्ति की बात की जाए तो 25,720, यानी कि पेपर वन का जो आपका परीक्षा आयोजित होने जा रहा है उसमें 25,720 सीटों के लिए आपकी परीक्षा आयोजित की जाएंगी। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि उतने ही अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाएगा जितनी यहाँ पे सीटें हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यानी कि अगर यहाँ पे 25,720 सीटें हैं तो सिर्फ 25,720 अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और उन्हीं को नौकरी दी जाएगी। इसके बाद ना तो कोई रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, ना ही उनको STAT का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जैसे कि 2011 में उनको प्रमाण पत्र भी दिया गया था, बाद में उनको अपने नियोजन करवाना पड़ता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। उनको सिंगल पेपर पास करना है और एक सिंगल पेपर पास करने से अगर टॉप में आते हैं तो उनको नौकरी निश्चित मिल जाएगी, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 25,720 सीटें पेपर वन जो कक्षा 9 से 10 तक में अध्यापक बनना चाहते हैं इन विषय के लिए जो मैंने व्हाइट बोर्ड लिखे हुए हैं, अगर हम बात करते हैं पेपर टू जो कि कक्षा 11-12 में आता है और यहाँ पे वो टीचर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका इंग्लिश के अंदर आपका 2125 सीटें हैं, गणित के अंदर 2104 सीटें हैं, भौतिकी फिजिक्स के अंदर आपकी 2324 सीटें हैं, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में 2221 सीटें हैं, प्राणी विज्ञान में 723 सीटें हैं, वनस्पति शास्त्र में 835 सीटें हैं और कंप्यूटर साइंस में 1673 सीटें हैं। यानी कि टोटल सीट की बात करें तो 12,065 सीटें पेपर टू यानी कक्षा 11 से 12 में जो अध्यापक बनना चाहते हैं वहाँ पर दी गई हैं। खैर, यहाँ पे खाली साइंस के विषय दिए गए हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ही मुझे कॉमर्स के विषय दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि इन अभ्यर्थियों में काफ़ी निराशा भी होगी और हो भी क्यों ना, SAT जो इतने साल बाद आयोजित हो रही है और यहाँ पे आर्ट्स का विषय साइकोलॉजी नहीं किया यहाँ पे है, ना यहाँ पे कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट, खाली साइंस के सब्जेक्ट हैं। खैर, बिहार के बच्चे इनके अलावा और भी विषय पढ़ते हैं, उनको भी सरकार को देना चाहिए, आर्ट्स को भी देना चाहिए और यहाँ पे कॉमर्स के भी सब्जेक्ट को ले लाना चाहिए ताकि उनको यहाँ पर फ़ायदा हो। हालांकि सरकार की मंशा क्या वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जो भी है आपके सामने इतनी बड़ी मात्रा में सीटें साइंस अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ही गोल्डन चांस है। यानी कि अगर मैं टोटल बात करूं तो यहाँ पे जो रिक्तियाँ मेरे सामने निकल के आ रही हैं 25,720 और यहाँ पे निकल के आ रही हैं आपकी 12,065। अगर मैं टोटल सीटों की बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे टोटल सीट जो निकल के आ रही है आपकी, हम यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे टोटल सीट आपकी निकल के आ रही है 37,000 प्लस सीट यहाँ पे निकल के टोटल आ रही है आपकी, यानी कि 37,000 प्लस सीटें आपकी यहाँ पे आ रही हैं और आपके पास एक गोल्डन चांस है टीचर बनने का। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक सीट चाहिए ना तो आपने अंदर वो जज्बा जरूर आज से जगा लो मेरे साथियों, कि आपको दिन रात एक करके कैसे भी करके आपको एक सीट लेनी है। इस 37,000 प्लस सीट में से आपको एक सीट लेनी है, आपको इसमें जितना भी अपनी ताकत लगानी पड़े, जितना भी रात दिन जग के एक करना पड़े, आपको एक नौकरी इस बार लेनी है। मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप दिन रात कीजिए, आप ये मत देखिए कि मेरा दोस्त क्या कहता है, मेरा भाई क्या कहता है, मेरी माँ क्या कहती है और क्या कहते हैं, बस मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अपने टारगेट सेट कर लीजिए आप कि मुझे पर डे कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ने हैं और 7 से 8 घंटे पढ़ने में कम से कम मुझे उसका 60% पढ़ने में और 40% मुझे उसका रिवीजन करने में देना है। यानी कि अगर आप 8 घंटे पढ़ते तो 5 घंटे आप पढ़िए, 3 घंटे जो आपने पढ़े उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि आपको इस बार बिहार में SAT परीक्षा पास करनी है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद दोबारा SAT का आयोजन लगभग 4 से 5 सालों तक नहीं होगा। बहुत ही बड़ा मौका आपके हाथ लगा है, इसको अच्छे से बुनाइएगा और जी जान लगा के अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लीजिएगा। तो ये एक सीटें हैं जिस पर आपको कड़ी मेहनत करनी है। मैं आपको बता दूँ कि आपको जो यहाँ पे स्कोर करना है, स्कोर आपको थोड़ा ज़्यादा लेके चलना। अगर मैं बात करूँ स्कोर की तो आपको यहाँ पे लगभग, मैं बात करूँ स्कोर की तो अगर आपको जनरल वाले जो हैं, जनरल को 120 का टारगेट लेके चलना है, यानी कि उनको 150 में से
120 प्लस का टारगेट लेके चलना है तभी उनका सिलेक्शन हो पाएगा एसटीटी के अंदर, अदरवाइज इसकी कट ऑफ इंक्रीज रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि इस बार उतने अभ्यर्थी को लिया जाएगा जितने सीटें हैं। तो आपको 120 प्लस जनरल और बाकी जो आपके आपकी आपके जो कैटेगरी वाइज सीटें हैं, मतलब मैं एक सिंपल लिखता हूँ, कैटेगरी की सीटें जो हैं, जो भी हैं जितने भी आरक्षण की सीटें हैं, उनको कम से कम 115 प्लस का टारगेट लेके चलना होगा। अगर वो इतना टारगेट सेट करते हैं तो डेफिनेटली उनका सिलेक्शन एसटीटी में होगा, क्योंकि इस बार कट ऑफ इंक्रीज होगी। अगर हम बात करें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की, तो मेरे हिसाब से इसमें कम से कम मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर कम से कम लगभग आपके 3 से 4 लाख एप्लीकेशन आने की पूरी संभावना है। 3 से 4 लाख आपकी एप्लीकेशन आएंगी, हालांकि ये घट भी सकती है, 2.5 लाख भी हो सकता है और ये बढ़ भी सकता है, लेकिन एक अनुमानित मैं बताऊं तो इसमें लगभग 3 लाख प्लस एप्लीकेशन इसके अंदर आएंगी बिहार के अंदर। क्योंकि आपको पता होगा कि देश के अंदर हर साल लगभग 19 लाख लोग बीएड करते हैं, 19 लाख लोग देश के अंदर हर साल बीएड करते हैं, मात्र 3.5 लाख को नौकरी मिलती है। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ से भी हजारों संख्या में लोग पर हर साल बीएड पास करते हैं। तो हम बात करें 2011 के बाद, इतने साल बाद ये भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है, तो बहुत से व्यक्ति बीएड वाले बढ़े हैं और जैसा कि अपियरिंग को भी मौका देने की बात सरकार कह रही है, तो उनसे भी आंकड़ा बढ़ेगा। तो आंकड़ा कम से कम मिनिमम 3 लाख पहुंचेगा। अगर आप इनमें से अपनी सीट लेना चाहते हैं तो आपको 120 प्लस का टारगेट लेके चलना होगा। अगर आप 120 प्लस का टारगेट लेके नहीं चलते तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके सामने थोड़ी समस्या होगी। तो आप 120 प्लस का टारगेट लेके चलिए, जनरल वाले जो भी हैं और जो कैटेगरी में है, चाहे आपका EWS वाला हो या आपका BC1 BC2 जितने भी आरक्षण मिलता है, मैं सबको, मुझे इतना अभी याद नहीं आ पा रहा है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे 115 प्लस का टारगेट लेके चलना है हर हाल में। और इसके लिए आपको पर डे कम से कम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। आपको पर डे 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। आप अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए, सिलेबस से फोकस कीजिए, सिलेबस ही मैं आपको जैसे मैं जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको पर डे 8 घंटे पढ़ना है। आप इसको अगर हल्के में लेते हैं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, बिकॉज आई एम सेइंग यू अगेन अगेन, इट्स लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बी ए टीचर इन हाई स्कूल, बिकॉज यू हैव टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन टू हैव डेडिकेट योर सेल्फ टू आर डूइंग हार्ड वर्क टू बी ए टीचर इन बिहार। तो बहुत मेहनत करना है आपको, बहुत ज़्यादा टारगेट सेट कीजिए एंड आप करेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, आप ही टीचर बनेंगे, जो आपको बनना है आपको मेहनत कर, आपको 8 घंटे हर हाल में पढ़ने हैं।